आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं, जो हमारा सीलिंग फैन कभी कभी जब बंद हो जाता है, खराब हो जाता है, जो उसका जो फॉल्ट होता है, जो वो कौन कौन सा रीजन से होता है, इसी के बारे में आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रकाश, आपको इलेक्ट्रिकल नंदी का चैनल में स्वागत है। मेरा चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, ऐसे ही आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बताने वाले हूँ जो सीलिंग फैन का अंदर में जो चार मेन प्रॉब्लम होता है उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। उसका जो क्या रीजन है उसको भी हम बताने वाले हैं। जो नंबर वन हो गया, जो सीलिंग फैन का अंदर हमारे जो साउंड होने लगता है, कभी कभी हम सीलिंग फैन बहुत जोर से साउंड होने लगता है, ये नंबर वन रीजन हो गया। नंबर टू हो गया, जो कभी कभी हमारा सीलिंग फैन बहुत स्लो ही घूमता है, ये नंबर टू हो गया रीजन। कभी तीसरा रीजन है जो हमारा जो सीलिंग फैन कभी कभी जाम हो जाता है, ये तीसरा रीजन हो गया। जो चौथा रीजन हो गया, जो हमारा सीलिंग फैन कभी कभी जो बिल्कुल ही घूमता ही नहीं है, ये हमारा जो सीलिंग फैन का अंदर जो चार मेन प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसका रीजन चलिए मैं एक एक बताता हूँ आपको। ये जो हम बताए जो चार फैन का अंदर जो प्रॉब्लम हुआ उसका बता उसका रीजन क्या है मैं बताता हूँ अभी। जो फर्स्ट प्रॉब्लम वन हुआ हो गया हमारा जो सीलिंग फैन का साउंड होता है, जो साउंड होने का तीन रीजन है। नंबर वन हो गया जो हमारा बेरिंग खराब हो जाता है, नंबर वन। नंबर टू हो गया जो उसका अंदर जो लुब्रिकेटिंग खत्म हो जाता है और उसका अंदर जो ग्रीस खत्म हो जाता है, इसलिए जो नंबर टू हो गया इसका वजह से भी साउंड हो सकता है। जो नंबर तीसरा हो गया, जो हमारा जो रोटर एंड स्टार्टर का अंदर एयर गैप रह जाता है, इसलिए भी जो हमका हमारा जो फैन का साउंड हो सकता है। ये हमारा तीन रीजन है जो हमारा सीलिंग फैन का साउंड होने का तीन रीजन। नंबर टू हो गया जो हमारा कभी कभी हमारा सीलिंग फैन का जो स्पीड कम हो जाता है, जो स्पीड कम होने का टू रीजन है। नंबर वन हो गया कभी कभी हमारा कैपेसिटर लीकेज हो जाता है, कभी कभी हमारा कैपेसिटर डिफेक्टिव हो जाता है, ये दोनों रीजन की वजह से हमारा जो सीलिंग फैन है स्लो घूमता है। तीसरा रीजन भी है जो कभी हमें जो सप्लाई वोल्टेज से कम वोल्टेज आता है उसका वजह से भी हमारा जो फैन स्लो हो सकता है, ये नंबर टू हो गया। नंबर थ्री हो गया हमारा जो फैन कभी कभी हमारा जो फैन जाम हो जाता है उसका रीजन क्या है, जो फैन कभी कभी हमारा जाम हो जाता है उसका रीजन है जो हमारा बेरिंग बिल्कुल ही खराब हो जाता है, उसका उस जो फैन का अलाइनमेंट भी चेक करना पड़ता है, उस अलाइनमेंट की वजह से भी हमारा जो फैन जाम होता है, ये हो गया। नंबर थ्री का जो फैन डिफेक्टिव हो जाता है, जो खराब हो जाता है उसका रीजन है। ये नंबर फोर्थ हो गया जो हमारा कभी कभी हमारा फैन बिल्कुल ही चलता ही नहीं है, उसका रीजन क्या है ना, उसका रीजन है तुम्हारे जो हमारा जो स्विच को चेक करना पड़ता है, उसके बाद नंबर वन, उसके बाद जो हमारा रेगुलेटर रहता है जो उसका रेगुलेटर को चेक करना पड़ता है, जो रेगुलेटर हमारा सप्लाई छोड़ता है कि नहीं है, नंबर टू हो गया। नंबर थ्री हो गया जो हमारा जो सप्लाई आता है जो सीलिंग के रूस के पास जो सप्लाई चेक करना पड़ता है, ये तीसरा रीजन हो गया। जो चौथा रीजन हो गया उसका जो कैपेसिटर कभी कभी ओपन हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, इसी की वजह से जो हमारा फैन भी नहीं चलता है, ये नंबर फोर हो गया। नंबर फाइव हो गया जो हमारा वाइंडिंग चेक करना पड़ता है, जो कभी कभी हमारा वाइंडिंग भी डैमेज हो जाता है, उसको रिवाइंडिंग करना पड़ता है, उसका वजह से भी हमारा फैन कभी कभी चलता नहीं, ये है हमारा जो सीलिंग फैन डिफेक्टिव हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाता है, खराब हो जाता है, उसका जो पाँच रीजन मेरा ओपिनियन से यही पाँच रीजन हमारा होता है। कुछ भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट बॉक्स छोड़ दीजिए, मैं आपका साथ उसका जो सोल्यूशन करने का ट्राई करूंगा।